बिना दिखाओ ना बंद कर इसे। हाँ जी, क्या हाल चाल है दोस्तों। इस वीडियो को ना लास्ट तक देखा, मतलब ऐसी न्यूज़ दूंगा ना आपको कि मतलब आपका परिवार, आपकी फैमिली, आपके रिलेटिव्स, हर कोई ना शॉक्ड हो जाएगा। ऐसी जानकारी दूंगा कि यूट्यूब पर शायद ही किसी ने दी हो, और बड़ी ही मतलब वैल्यूएबल जानकारी है, मतलब इतनी लाखों में समझ लो, करोड़ों में भी हो सकती है। तो प्लीज़ वीडियो को लास्ट तक देखना, सारी बातें मेरी समझ में आ जाएगी जो मैं बोल रहा हूँ। एंड तक वीडियो ज़रूर देखना, क्योंकि वीडियो के बीच में मैंने एक ऐसी पॉइंट डाला है जिसमें आपको बहुत मज़ा आएगा। और प्लीज़ इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा सपोर्ट करना ताकि लोगों तक जानकारी पहुँचे। और मैं तो बहुत खुश हूँ यार, बस वीडियो को लास्ट तक देखो, सब समझ आओगे। मेरे मुँह से सारी चीज़ें मतलब निकलवाया करो यार, चलो जाओ। यार कितना शोर शराब हो रहा है, मतलब आज की सुबह तो ना ढोलक के साथ हो रही है। मतलब नीचे सुनाई दे रहा है आपको, पीछे एक बार बैकग्राउंड सुन के देखो, देखा ना, सुन रहे हो ना कि नीचे ढोलक वोलक बजने का ना जो साउंड आ रहा है। आई थिंक कोई नाच गाने वाले आए हैं और नीचे मनोरंजन चल रहा है, तो उनकी तो मनोरंजन उनकी ढोलक की आवाज़ से अपनी आँख खुल गई। अब जाके देखते नीचे हो क्या रहा है, देखते कोई कंटेंट मिल जाए आज के लिए। चलो नीचे जाके देखते कि एक्चुअल में चल क्या रहा। अभी अभी ओ मेरे ख्वाजा पीर बेटा, काफ़ी देर से ना हम काफ़ी मस्ती मजाक कर रहे थे तो वीडियो में नहीं दिखा पाया। हाँ, तो मैं ये कह रहा था कि मैंने कपड़े चेंज कर लिए और अभी मैं जा रहा हूँ बैंक में कुछ डिपॉजिट कराने। छोटे छोटे काम जो है ना आज काफ़ी ज़्यादा मुझे घर वालों ने बताए हुए, जिससे कि मेरी हालत पतली होने वाली है मुझे पता है। लेकिन मुझे ये समझ नहीं आ रहा कि मैं यार करूँ क्या, कौन सा पहले करूँ कौन सा बाद में करूँ, क्योंकि अभी एक छोटी बहन का फ़ोन आया था और इसका भी एडमिशन कराने जाना है अभी एक अच्छे से कॉलेज में, तो जाना पड़ेगा। छोड़ो यार, इसको इग्नोर करो। हाँ, तो अभी छोटे छोटे काम बहुत सारे पड़े जिनको मुझे करना है और आज ही के दिन में फाइनल करना है, क्योंकि कल मैं संडे को एक अच्छी जगह का ब्लॉग बनाने जाऊंगा जो कि आप सभी को दिखाऊंगा। मैं काफ़ी अच्छा ब्लॉग रहने वाला है, तो धीरे धीरे इंप्रूवमेंट कर रहा हूँ मैं अपने ब्लॉग्स में। तो बस अभी यार जाता हूँ बैंक में डिपॉजिट करा के पैसे आता हूँ, और फिर जहाँ भी जाता हूँ मैं आपको दिखाता हूँ, बताता हूँ, जताता हूँ। तो मिलते रहिए कपिल शर्मा शो में। ये क्या बोलते हैं कपिल शर्मा शो सब बगैर बवाल, लव यू। दोस्तों तुम्हें अभी एक कमाल की चीज़ दिखाता हूँ। देखो ये मछलियाँ होते हैं ना, लोग कहते हैं कि इनके कान नहीं होते, समझते नहीं, लेकिन बहुत चीज़ें समझते हैं। अब देखो ये यहाँ पे ना, मैं वहाँ पे जाऊँगा ना, ये मेरे पीछे पीछे वहाँ पर आ जाएगी। देखो अब उधर जाओ। पता क्यों आते हैं पीछे, पता क्यों आते हैं, क्योंकि हमें जानते हैं। मैं इनको ना दाना खिलाता हूँ डेली का, तो अभी देखना आ रहा हूँ मम्मी, आ रहा हूँ यार। इनको पता है कि मैं इनको खाना खिलाता हूँ डेली, और मैं खाना खिलाता हूँ इनको यहाँ से। मेरी मम्मी ना मुझे डेली की डेली ऐसे ललकार भी रहती है, मतलब सुना भी रहती है कुछ ना कुछ यार। और जबकि ना मैं काम धंधा भी करता हूँ, मेरी इतनी अच्छी जॉब भी है और मैं एनजीओ भी चलाता हूँ, फिर भी ना इनको ऐसा लगता है कि ये लड़का पता नहीं क्या करता रहता है। जिनको भी समझ नहीं आएगा, जब मेरे ब्लॉग्स हिट हो जाएंगे ना, मेरे ब्लॉग्स पर बहुत सारे व्यूवर्स आएंगे, तब इनको बताऊँगा मैं। कर दो सब्सक्राइब, कर दो मेरे चैनल को, मेरे को इंस्टाग्राम पर भी फॉलो कर दो, फेसबुक का भी मैं आपको अपना हैंडल दे देता हूँ, फेसबुक का नाम भी ये है। तो दोस्तों अभी निकलते हैं अपनी एक्टिवा लेकर बैंक के काम निपटाने। खोली मैंने डिग्गी और ये रखी बैंक की कॉपी, और डिग्गी को करते हैं बंद। चलो चलते हैं, चलो निकलते हैं अपनी एक्टिवा लेकर। आज दोस्तों, आज मैं एक्टिवा इसलिए नहीं लेकर आया क्योंकि मेरी जो CBR बाइक है उसका इंश्योरेंस जो है ख़त्म हो चुका है, तो बिना इंश्योरेंस के मुझे अपनी बाइक निकालना सेफ़ नहीं लगा, क्योंकि यार हद से ज़्यादा चालान हमारे यहाँ पर कट रहे, आई थिंक पूरे इंडिया में कट रहे। तो बस इसी वजह से मैं अपनी CBR नहीं ले गया, लेकिन मुझे एक्टिवा पर भी पूरा मज़ा आता है दोस्तों। अब यार एक चीज़ और बतानी, देखो अब सामने मतलब बस आ रही है, एक दिख रही है ना ये कि ट्रैफिक कितना हो रहा है यार, मतलब कि कोरोना है कि नहीं समझ ही नहीं आता। और जब गूगल करते हैं ना कोरोना केसेस को लेके, तो यार इतने कोरोना केसेस हो चुके हैं कि इंडिया मोस्ट नंबर 1 पर आ चुका है।
यार पता नहीं क्या हो गया, मतलब रहेगा इस देश का यार ऊपर वाला, बस जब तक टीका नहीं बनता ना कोरोना का तब तक टीका है। सो नाउ लेट्स गो टूवर्ड्स द बुआज घर। अभी बुआ के घर जाके बुआ की बेटी को लेके कॉलेज जाता हूँ और एडमिशन्स के पूछता हूँ। अगर उसको कॉलेज अच्छा लगता है या मेरी बहन को कॉलेज अच्छा लगता है तो मैं कॉलेज का एडमिशन उसका वहाँ पर सोचूंगा कराना और रजिस्ट्रेशन तो कर ही आऊँगा, नहीं तो फिर दुनिया में बहुत सारे कॉलेज है एडमिशन कराने के लिए। तो चलो मिलते हैं। तो हमने इसका फिल कर दिया, रजिस्ट्रेशन भी हो चुका है। अब देखो मंडे को एक बार और बुलाया उन्होंने। तुझे कैसा लगा कॉलेज? अच्छा लगा। चलो भाई लड़की को कॉलेज अच्छा लगा है, अभी निकलते हैं बैंक का काम करने, क्योंकि यार काम तुम्हें पता है बहुत बताए हुए पापा ने, तो चलो बैंक के भी निपटा देते हैं। दोस्तों बैंक का काम भी हमने फाइनली फिनिश कर दिया, अभी छोटे मोटे दो काम और रह रहे हैं। अभी हम जा रहे हैं हॉस्पिटल में, क्योंकि हॉस्पिटल से भी रिलेटेड एक छोटा सा काम है वो भी फाइनल करके आते हैं आज। यार इतने छोटे छोटे काम है ना, मतलब जिनकी वजह से भागना दौड़ना काफ़ी ज़्यादा पड़ता है, तो करना तो पड़ेगा यार, निपटा के आते। चलो मिलते हैं भाई। यार मैं सोचूं कि इतनी बुरी स्मेल कहाँ से आ रही है, मैं दिखाता हूँ कि स्मेल कहाँ से आ रही है। बहुत ही गंदी स्मेल है, मतलब ऐसा वोमिटिंग का मन हो गया। मैं दिखाता हूँ कहाँ से आ रही है, देखो यहाँ से आ रही है स्मेल, यहाँ से। ये डेड बॉडी पड़ी है एक चूहे की, मुझे इसको देखकर काफ़ी ज़्यादा दुख हुआ, क्योंकि मैंने अभी एक वीडियो पोस्ट किया उसमें मैं बता रहा था कि रेड लिव्स मैटर, तो मुझे थोड़ा सा ना इनसे लगाव हो गया, इस वजह से ये मैं आपको दिखा रहा हूँ, अदरवाइज़ मैं नहीं दिखाता। तो चलो किसी और का मन खराब ना हो, जी खराब ना हो, इससे पहले मैं इसको हटा देता हूँ। आज तो बड़े कमाल हो गया भाई, भाभी क्या हो गया? भाभी क्या हो गया बताओ तो क्या हो गया? अच्छा मैं बताता हूँ इनका मूड क्यों ऑफ है। इनका मूड इसलिए ऑफ है क्योंकि अभी ना मैं बिना हेलमेट के ना राइडिंग कर रहा था, और मैंने बताया था ना कि मैं हॉस्पिटल में जा रहा हूँ। तो जैसे ही मैं हॉस्पिटल में पहुँचा तो यहाँ पर हमारे घर पर गेस्ट आ गए, और जब घर पर गेस्ट आए तो मम्मी बोली कि घर पर ले चल, और मैं इनको ट्रिपलिंग करके बिना हेलमेट के ले गए, और इनको ना रास्ते में मामा मिल गए, मामा मतलब पुलिस वाले और पुलिस ने पकड़ लिया, और वही चट्टी लगा दी 1000-2000 रुपये की, तो इसलिए इनका मूड ऑफ है। मूड कितना ऑफ है। क्या हो गया हैं? हटना। क्या हो क्या गया? बस क्या हो गया? क्यों हो गया लगा चल दिया। क्या करना है? कौन कौन जा रहा है? मम्मी पापा। अच्छा क्या कब क्या मतलब कब आओगे? आज ही। क्यों आज ही? क्यों मामा के जा रहे, 3-4 दिन खा के आओ। चल चल मिलते हैं शाम के टाइम, गिव मी हाई-फाई, ही इज माय ब्रदर। ये दोस्तों आई एम रियली 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 हैप्पी, क्योंकि मेरी लॉटरी लग गई है, मतलब लॉटरी इतनी जबरदस्त लग गई है, मैं बैठ जाता हूँ। पहले थोड़ा सा आप पहले ये देख लो, ये है 25 से 30 साल पुराना टेलीफोन, जो कि आप ओल्ड मूवीज़ वगैरह में भी, हिंदी मूवीज़ में देखते थे और बहुत सारी जगह पर आपने देखा होगा। और इस फ़ोन ने मुझे, मतलब मैं बता नहीं सकता यार, मैं ना इस फ़ोन के बारे में आपको ना नेक्स्ट व्लॉग आएगा उसके अंदर बताऊँगा कि, मतलब कहते हैं ना कि स्वर्ग मिल गई, जन्नत मिल गई, जीते जी मज़ा आ गया। तो अभी मैं ऐसे बताऊँ, मैं अभी गया था गिम्बल और ट्राइपॉड लेने के लिए, लेकिन गिम्बल और ट्राइपॉड काफ़ी एक्सपेंसिव था, और गिम्बल और ट्राइपॉड मैं इसलिए लेना चाहता हूँ क्योंकि ना मैं हाथ से व्लॉग बनाता हूँ, अपने हाथ से मोबाइल को पकड़ता हूँ, और काफ़ी ज़्यादा पेन होना स्टार्ट हो जाता है अगर मैं 2-4 मिनट ऐसे इसको पकड़ के रखता हूँ। तो फिर मैंने सोचा क्यों ना ऑफलाइन गिम्बल वगैरह देखाता हूँ, एक शॉप है यहाँ पर, लेकिन उसने गिम्बल जो है काफ़ी एक्सपेंसिव बताया, जो कि
मुझे बिल्कुल अच्छा नहीं लगा, उसके फीचर्स भी काफ़ी कम थे और जो ट्राईपॉड था वो भी उसने एक्सपेंसिव था बताया, तो उसकी ना मेरी बनी नहीं, मतलब रेट नहीं बना, बार्गेनिंग नहीं हो पाई। अगर वो नॉर्मल भी उसके जो उसका एग्जैक्ट प्राइस होता अगर वो उतना भी ले लेता तो मैं उसको पे कर देता, लेकिन मुझे सीरियसली मज़ा नहीं आया, तो मैंने उसकी वीडियो भी वहाँ पर शूट नहीं करी, उसके लिए आई एम रियली सॉरी। लेकिन मैं इसके ऊपर ना एक व्लॉग रेडी करूँगा, मतलब आपको ना देख के मज़ा आ जाएगा, हो सकता है कि आपकी भी लाइफ चेंज हो जाए अगर आपको ये वाला फ़ोन मिल जाए, या एक दो आइटम और मैं ऐसे बताऊँगा जिसकी वजह से शायद आपकी पूरी ज़िंदगी चेंज हो जाए, मतलब आप ज़िंदगी में कमाओगे ना एक नंबर से दो नंबर से कैसे भी, तब भी इसकी जितनी वैल्यू आपको नहीं मिलेगी। काफ़ी रेयर है और गवर्नमेंट से अप्रूव्ड है, गवर्नमेंट खुद आपसे बाय करेगी और गवर्नमेंट आपको खुद मतलब आती है, कॉन्टैक्ट करती है, खुद आपसे लेगी। वो क्या है वो मैं आपको अगले व्लॉग में दिखाऊंगा अपने, और काफ़ी अच्छा रहने वाला है अगला व्लॉग, मतलब हो सकता है कि आपके किसी दोस्त के पास, फैमिली के पास, रिश्तेदार के पास, किसी के पास भी ये वाला फ़ोन और एक दो आइटम ऐसे मिल जाएँ जिसकी वजह से आपकी लाइफ चेंज हो सकती है। तो मेरे व्लॉग को ज़रूर देखना, और जिसने भी मेरे व्लॉग को सब्सक्राइब नहीं किया या लाइक नहीं किया, प्लीज़ अभी जाके नीचे रेड कलर का जो बटन आपको दिखाई दे रहा है उस पर सब्सक्राइब करो, अंगूठा दबाओ और मेरे चैनल को लाइक करो, और हो सके तो कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताओ, और मेरे वीडियो का आप इंतज़ार करोगे इस वाले व्लॉग का, तो मुझे प्लीज़ वो भी कमेंट करके बताओ कि अगर मुझे भी लगेगा कि हाँ आप सच्ची में जानना चाहते हो, और ये एक ऐसी चीज़ है कि आपकी ज़िंदगी माला माल हो सकती है, आप ज़िंदगी में माला माल हो सकते हो, आपकी ज़िंदगी चेंज हो सकती है, आपका पूरी मतलब आपने ज़िंदगी में सोचा नहीं होगा आपको इतना अमाउंट इसका मिल सकता है। तो मेरे व्लॉग को प्लीज़ देखना जो मैं अपलोड करूँगा एक दो दिन में, इसके ऊपर कंप्लीट व्लॉग बनाऊँगा मैं, और आप सभी को बताऊँगा कि क्या क्या आपको इसके अंदर मिलेगा जिसकी वजह से आपको मतलब इतना पैसा मिलेगा, इतना मतलब आप सोच भी नहीं सकते। तो मेरे व्लॉग को प्लीज़ देखना ज़रूर, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करो, और मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो करो, मेरे को फेसबुक पे भी मेरे को फॉलो करो, और जितना हो सके मेरे चैनल को सब्सक्राइब करो। और इस वीडियो पर मैं अपने लाइक का एम रखता हूँ, अगर आपने इस वीडियो पे मेरे लाइक मेरे को लाइक करा दिए, 300 या 200 300 लाइक मेरे आ गए और 1000 प्लस व्यूवर्स आ गए, तो मैं इसके ऊपर ऐसी आपको नॉलेज ऐसी जानकारी दूंगा कि मतलब भाई साहब आपको इजीली कहीं पर भी फ़ोन मिल सकता है, और बस माला माल हो जाओगे यार, मज़ा आ जाएगा, मतलब ज़िंदगी चेंज हो जाएगी, परिवार वाले भी सोचेंगे कि भाई साहब ये इसने क्या कर दिया, ज़िंदगी बदल दी, हमारा तो बच्चा, हमारा तो बेटा, हमारी तो बेटी, इन्होंने मतलब सोचा भी नहीं था कि हमने ऐसे कपूत को जन्म दिया है, जो पूत को सॉरी ऐसे पूत को जन्म दिया जिसने कि हमारी ज़िंदगी चेंज कर दिया। तो मेरे व्लॉग के साथ बने रहो, अभी के लिए मैं ये व्लॉग ऑफ करता हूँ क्योंकि मैं थोड़ी सी ना खुशी ले लेता हूँ, और मैं घर वालों को भी सरप्राइज़ करूँगा इसके लिए, इसका सरप्राइज़ बता के। तो बस मतलब जाओ यार मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दो, और 200-300 लाइक ठोक दो, और मेरे ना इस वीडियो के ऊपर हज़ारों में व्यूवर्स ला दो यार, ताकि मैं अच्छे से डिस्क्राइब कर सकूँ, क्योंकि हर कोई इसके बारे में नहीं बताएगा आपको, क्योंकि हर कोई चाहता है कि ये चीज़ें हमें मिले, लेकिन मैं आपको अच्छे से डिफाइन करूँगा, डिस्क्राइब करूँगा। तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करो, अभी के लिए मैं जाता हूँ, और बस जाता हूँ मैं, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर देना यार, मिलते हैं, बाय बाय, टेक केयर।